सर, मेरा सवाल प्रिपरेशन से रिलेटेड है। एक्चुअली कई बार ऐसा होता है, जो अभी मेरे साथ भी हो रहा है एग्जैक्टली, कि एज इतनी हो जाती है कि आपका फैमिली जो आपकी फैमिली जो है वो आप पे प्रेशर डालने लगती है कि आप जॉब कर लो। तो उस सिचुएशन में आप उसको कैसे टैकल कर सकते हो कि मतलब आप एग्जाम दे पाओ? जैसे ठीक है, अभी तो मेरा थर्ड अटेम्प्ट है, और हाउ कैन आई टैकल दैट प्रेशर फ्रॉम फैमिली? देवेश, मेरे ख्याल से आपके क्वेश्चन का आपकी भाभी जी जो है वो ज्यादा, मेरी जो धर्म पत्नी, वो ज्यादा अच्छे तरीके से जवाब दे पाएंगी। इनकी विशेषज्ञता है इसमें, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो इस क्वेश्चन का जवाब दें कि अगर फैमिली प्रेशर डाल रही है कि आपकी एज हो रही है और आप जॉब कर लें, तो आपको उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा कदम बिल्कुल लेकर के आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा सराहनीय कदम है, ठीक है, ये बहुत बड़ा सराहनीय कदम है ना। और इसके लिए जब हम कभी भी अगर लकीर से हट करके आगे चलने की कोशिश करते हैं या बहाव से अलग दिशा में चलने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए निश्चित रूप से हमको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। और कोशिश ये होती है, और परेशानी आती है। आप घर में हैं, आप लोग सोचिए, आजकल के बच्चे, आप लोग 23-24 साल के बच्चे हैं, किस किस रास्ते में हैं, कई गलत कामों में हैं। मतलब कई आते हैं, वो बाजार से नया सामान खरीदेंगे, पिक्चर जाएंगे, फास्ट फूड खाएंगे। आप लोग केवल घर के अंदर सीमित है, अपना पढ़ाई में लगे हुए हैं। आपके अंदर कोई भी बाहरी कोई भी बुराई आपके अंदर प्रवेश नहीं कर पाई। आप लोग एक अच्छे बच्चे, बस अपना केवल लक्ष्य के लिए पूर्णता समर्पित है, ठीक है। तो समस्या घर वालों को इसलिए आती है बेटा, क्योंकि उनको लगता है कि बच्चा हमारा 26-27 साल का हो गया, पड़ोसी के बच्चा जॉब कर रहा है, वो जॉब कर रहा है, वो जॉब कर रहा है, तो फिर हमारे बच्चे को भी जॉब करना चाहिए। लोग मजाक बनाते हैं, अरे आपका बच्चा अभी तक नौकरी में नहीं लगा। ये हम लोग एक मिडिल क्लास सोसाइटी की एक बहुत बड़ी फीलिंग होती है कि हम, लेकिन हमारे हमें बस यही ध्यान है, जैसे कीचड़ में कमल खिलता है ना बेटा, हमको अपने को कमल बना करके चलना है। हमको अगर अपने ऊपर भरोसा है, अपने ऊपर आप भरोसा रखिए कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, किसी कारण से आप दो अटेम्प्ट नहीं निकाल पाए, आप इस अटेम्प्ट में निकाल लिएगा, ठीक है। और आप अपने भरोसे को कायम रखिए और अपना मेहनत कीजिए, ठीक है। और उसके बाद ही बस एक चीज मेरी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चे कोशिश करते हैं, तैयारी कर रहे हैं, अगर 3-4 अटेम्प्ट में मान लो किसी कारण से, जैसे हमें 3 सीढ़ियां होती हैं सिविल सर्विसेज की, पहला प्री होता है, आप प्री अगर बार बार क्वालिफाई कर रहे हैं, मेंस में किसी कारण से अटक रहे हैं, तो फिर इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। आप मेंस में भी क्वालिफाई कर जा रहे हैं, किसी कारण से आप इंटरव्यू में आप अटक रहे हैं, तो आप समझेंगे कि बहुत जरा सी कहीं कोई आपकी कमी रह गई जीवन तैयारी में, ठीक है। लेकिन अगर आप 3 अटेम्प्ट में आप प्री ही नहीं निकाल पा रहे हैं किसी कारण से, तो आपको ये समझना चाहिए दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। तो उसके बाद में आपको उसको, बेटा बहुत रास्ते हैं, जीवन में रास्ते की कमी नहीं है। हम सिविल सर्विसेज में आते हैं सबसे बड़ा संकल्प लेकर के कि हम समाज सेवा करेंगे, क्योंकि समाज से डायरेक्ट हमारा जुड़ाव रहता है। बाकी लोगों के हाथ ऐसे रहते हैं लेने के लिए, हमारे हाथ जो है, हम एक टॉप ब्रैकेट में पहुंच जाते हैं जो पूरे भारतवर्ष में 0.00001% भी नहीं है, जिसमें से हम एक होते हैं। हमारे हाथ हमेशा देने के लिए रहता है। तो बेटा वो पोजीशन पाने के लिए हमको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी है, समझना है, समाज को समझना है, अपने को समझना है। तो माता पिता से लड़ने से बेटा कोई फायदा नहीं होगा कि हम उनको बोले कि हमें समय दो, उनको हमको समझाना होगा कि पापा प्लीज हमको 1 साल और दीजिए, हम अपना मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जरूर आपको सपोर्ट मिलेगा, है ना। इसके अलावा कई फैमिली परेशानियां होती हैं, वो आप लोग समझते होंगे। अब मान लो अकेले फादर कमाने वाले हैं, बहुत सारे लोग खाने वाले हैं, तो थोड़ी सी तकलीफ होती है। लेकिन हमें, मुझे हमेशा यही लगता है कि जब हमारा मतलब हम अभी जब बुझने से पहले दिए की लौ बहुत तेज हो जाती है ना। तो अगर आपकी कठिनाइयां बढ़ने लगी, तो आप लोगों को ये मान के चलना चाहिए कि अब आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब हैं, और आप बिल्कुल उससे मत चूकिए, और ज्यादा दुगनी मेहनत से आगे बढ़िए, जरूर आपको सफलता मिलेगी।